थैंक यू इस वीडियो में क्लिक करने के लिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप शर्ट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये अमन दद्दरवाल की पोर्ट्रेट ड्राइंग है एंड ये शर्ट ड्राइंग में हर एक पार्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको दोनों पार्ट, ये तीसरा पार्ट है, अगर आपको दोनों पार्ट चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप दोनों पार्ट्स देख सकते हो, ठीक है। एंड ये आप देखिए कि मैं अभी जो राइट पोर्शन है शर्ट की वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मैं पहले जो कॉलर है वो पहले अच्छे से सेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से आपको दिखाना होगा। शर्ट की लेफ्ट पोर्शन पर जो कॉलर था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट था, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं था। बट अभी जो मैं जिस पोर्शन को अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो है राइट पोर्शन। तो राइट पोर्शन की जो कॉलर है वो बहुत ही डार्क है, तो डार्क पोर्शन में आपको शेड अच्छे से करना होगा, क्योंकि डार्क पोर्शन में अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो वो अच्छे से ऑप्ट नहीं होगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो डार्क पोर्शन हमेशा ड्रॉ करने के समय में आपको अच्छे से करना होगा। जैसे कि मैं कॉलर को ड्रॉ करने के समय पहले मैं HB पेंसिल, उसके बाद 4B पेंसिल मैंने यूज़ किया एंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैंने 6B पेंसिल यूज़ किया। तो वैसे ही आपको करना होगा। एंड अगर आपको स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए कि कैसे डार्क पोर्शन को हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए इसके बारे में एंड मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए जो बटन जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फोल्ड्स है, वो पिक्चर में आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, यानी कि रेफरेंस फ़ोटो में। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स है, तो जहाँ पर बटन्स है वहाँ पर आपको अच्छे से करने के लिए फोल्ड्स को आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। एंड फोल्ड अगर ज़्यादा होगा तो आपको शेडिंग भी बहुत ज़्यादा करना होगा एंड आपका टाइम भी बहुत लगेगा। तो जहाँ पर फोल्ड्स ज़्यादा है वहाँ पर आप टाइम लगाइए, क्योंकि जस्ट आप एक स्मॉल पोर्शन को अच्छे से ना करके पूरे ड्राइंग को आप ख़राब कर सकते हो। तो जो भी फोल्ड्स है उसको आप टाइम दीजिए, आपका ड्राइंग बहुत बढ़िया होगा। एंड कॉलर और बटन की पोर्शन को छोड़कर आप जो भी फोल्ड्स देख रहे हो शर्ट के अंदर, वो फोल्ड्स ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने जो फोल्ड्स है वो HB पेंसिल से अच्छे से ऑप्ट करने की कोशिश किया, ठीक है। तो HB पेंसिल से आपको पहले ऑप्ट करना होगा, ठीक है। एंड HB पेंसिल से अगर बहुत डार्क हो रहा है तो आप 4H पेंसिल यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि 4H पेंसिल ज़्यादा डार्क नहीं होता। तो आप अगर स्मूथ ड्राइंग करना चाहते हो तो आप HB पेंसिल यूज़ करना। एंड शेडिंग पहले ऑप्ट करने के बाद जहाँ पर फोल्ड्स है वो सब ऑप्ट करने के बाद आपको उसके बाद ज़्यादा डार्क पर जाना होगा, ठीक है। तो आप 4B पेंसिल यूज़ करना, ठीक है, 4B पेंसिल ज़्यादा डार्क है। एंड उसके बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पोर्शन है वहाँ पर आप 6B पेंसिल यूज़ करना। एंड देखिए जहाँ पर वो बटन की पोर्शन है जहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा डार्क पोर्शन है क्योंकि वहाँ पर शैडो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस शैडो की पोर्शन पर बहुत ज़्यादा डार्क था तो पहले मैंने 4B पेंसिल से पहले मैंने सेट की कि कहाँ पर शैडो है और उसके बाद मैंने 6B पेंसिल से सेट की, ठीक है। 4B पेंसिल से सेट करने की कारण ये है कि मैं गलत भी कर सकता हूँ तो मैं वो एरेस कर सकता हूँ, वो एरेस करने में आसानी होगा, बट 6B पेंसिल एरेस करने में बहुत टाइम लगेगा एंड पेज भी ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए। एंड देखिए जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पर आई थिंक अच्छे से सेट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर स्मॉल स्मॉल पोर्शन था एंड स्मॉल स्मॉल फोल्ड्स भी था एंड वो फोल्ड्स मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, बट समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए आई थिंक उस पोर्शन पर मैंने अच्छे से सेट नहीं किया है। तो आई थिंक मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा, उसके बाद ही ठीक होगा शायद। ओके, एंड जो आप देख सकते हो कि मैं अभी 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग में एंड 6B पेंसिल से पहले शेडिंग करने के बाद मैं ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्मूथ पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ब्लेंड करने से। एंड उसके बाद वहाँ पर वाइट पोर्शन है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है,
तो लाइट पोर्शन पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि मैं अभी हैंड को सेट कर रहा हूँ एंड ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी किचुई पोर्शन को ड्रॉ करना है तो लगभग ख़त्म हो ही गया है। एंड कुछ ही दिनों के अंदर मैं ये वीडियो पूरा ड्राइंग का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। एंड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोनों करने में सिर्फ 2 ही सेकंड लगेंगे, बाकी आप फाइनल लुक देख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।